मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो खराब आया ना आपको कि क्रिमिनल को रोक नहीं सकते हैं, अपराधियों को रोक नहीं सकते हैं, अपराधी हथियार लेकर अभी पकड़ा रहे या नहीं पकड़ा रहे बताइए। लाखों पुलिस है हमारे पूरे देश के अंदर, क्राइम को रोका जा रहा है लेकिन क्रिमिनल तो बढ़ ही रहा है, तो शराबी को कौन रोक सकता है? वो तो एक तरह का अपराध कर रहा है, तो अपराधियों को कौन रोक रहा है? अपराध क्रिमिनल को भी कहीं तो फेल है, ये तो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, डेली क्राइम भी हो रहा है, क्या क्रिमिनल भी फेल है? पुलिस सड़क सुरक्षा पूरे जोशो खरोश से यहाँ के पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी सभी लोग मिल करके सड़क सुरक्षा का संदेश पूरे जिले के अंदर देने का काम आज के इस रथ के द्वारा होगा, जिससे कि जनता में ये जागरूक भी हो और ड्राइविंग लाइसेंस के जो नियमावली में है अगर उस हिसाब से चलेंगे तो यकीनन लोग अपने आप घर से निकलने के बाद सुरक्षित घर भी वापस आ जाए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस तरह की इतनी सुरक्षा के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वो खराब थे, लेकिन शराब पी लोग पी रहे हैं। देश के कानून ने क्राइम को रोका है, क्राइम के विरोध में कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोग क्राइम करते हैं, तो क्राइमिनल को भी पकड़ करके उन्हें सुधारने के लिए उनको एक रूप दिया जाता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आप सुधरिए और देश के मुख्यधाराओं में, जनता के मुख्यधाराओं में, अपने समाज के मुख्यधाराओं में आइए। ठीक उसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद लोग कभी शराब पी करके गाड़ी चलाने लगते हैं और ड्राइवर नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे लोगों को इस सड़क सुरक्षा का संदेश मिले और वो भी अपने समाज के सूत्रधार में बंधे और सामाजिक कार्य में आवे, समाज के जो नियम है ड्राइविंग लाइसेंस का जो नियम है उसको पालन करे। इसके लिए बना तो हम तो मैंने बताया ना आपको कि क्रिमिनल को रोक नहीं सकते हैं, अपराधियों को रोक नहीं सकते हैं, अपराधी हथियार लेकर अभी पकड़ा रहे या नहीं पकड़ा रहे बताइए, तो फिर शराब पीने पर रोक है, आप शराब पी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। देश राज्य के कानून, मुख्यमंत्री के कानून के अलावा जो कानून के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। तो इतने लाखों पुलिस है हमारे पूरे देश के अंदर, क्राइम को रोका जा रहा है लेकिन क्रिमिनल तो बढ़ ही रहा है, तो शराबी को कौन रोक सकता है? वो तो एक तरह का अपराध कर रहा है, तो अपराधियों को कौन रोक रहा है? अपराध जी नहीं, बिहार में शराब में फेल नहीं है, किसी ने कहा क्या फेल? क्रिमिनल को भी कहिए तो फेल है, ये तो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, डेली क्राइम भी हो रहा है, क्या क्रिमिनल भी फेल है? पुलिस मेरा फेल है? ऐसा बात तो नहीं है। कि आप लोगों की सोच गलत है, मानसा गलत है, विपक्षी का देखने वाला आईना और आंख गलत है, उनका चश्मा सिर्फ उल्टे चश्मे से देखते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि शराबी शराबबंदी यहाँ का सरकार नहीं है। तो विधायकों का उस विधायक से पूछे, जिस विधायक ने कहा इस बात को, उसे हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? पार्टी है मेरा, लोग परिवार में लोग रहते हैं, एक ही परिवार के लोग, एक बाप का दो बेटा होता है, एक चोर हो जाता है, एक सिपाही हो जाता है, तो बाबूजी बताएंगे उनके, वो जो हुआ है चोर हुआ उस पर कार्रवाई होगी। बार बार लीक हो जाता है, हम तो आपको बता रहे हैं ना। मिल रही है ना, यही तो बहुत बड़ी, आपका सोच ये कि शराब बंदी के बाद शराब पुलिस खोजने में सक्षम हो रहा है, अपराधियों पर नकेल कसने में सक्षम है, इस बात को मानिए। आप लोग एक दृष्टि से क्यों देखते हैं, विपक्षी एक दृष्टि से देखता है, इसको देखिए कि कानून कार्रवाई हो रहा है या नहीं। अरे घुसने के लिए तो देश के अंदर आतंकवादी घुस रहा है, जहाँ बॉर्डर पर कितने टैंक और हवाई जहाज और एयरफोर्स BSF लगे हुए हैं वहां से घुस रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत लोग को घुसने के लिए अनेकों रास्ता फ्री है, कैसे नहीं